जिसकी लगन होती है वह सपने जरूर पूरे करता है। चित्रकूट के अर्पित यादव ने यूपीएससी परीक्षा में 136वीं रैंक हासिल कर अपने दिवंगत पिता का सपना पूरा किया है। आइए जानते हैं अर्पित की इस यात्रा के बारे में। अर्पित यादव बुंदेलखंड के एक पिछड़े इलाके चित्रकूट के अहिरनपुर मोहल्ले से हैं। उनके स्वर्गवासी पिता एक शिक्षक थे जिनका हमेशा यह सपना था कि उनका बेटा बड़ा अफसर बने। अर्पित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चित्रकूट से पूरी की और बाद में दिल्ली चले गए जहां उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। अर्पित की पढ़ाई में अड़चने भी आई, खासकर जब उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिल्ली में रहकर अर्पित ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दूसरी बार में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। अर्पित की माँ मीरा देवी ने बेटे की सफलता की कहानी भावुकता से शेयर करते हुए कहा कि अर्पित के पिता की यही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा देश की सेवा करे और एक आईएएस अफसर बने। क्या चाहते थे आप लोग स्टार्टिंग से ही? ये चाहते थे कि जिस स्टेट में छाड़ के गए थे उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, उनका मतलब सपना पूरा करेंगे। बेटा इस नहीं कर किसी से कि कहाना कि मतलब पापा नहीं हैं तो मम्मी हमको पैसा नहीं दिया, मम्मी हमको पढ़ाया नहीं है। बेटा उनकी ख्वाह पूरी करना, पापा का नाम रोशन। उन्होंने बताया कि कैसे अर्पित के पिता राम मूरत यादव ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था जिससे वह अपने सपने को साकार कर सके। उनके पापा जी की इच्छा है कि मैं अपने बेटा का चार मतलब मैं पूरी संपत्ति बेच के लगा दूं, मैं आईएएस बना के रखूंगी। अर्पित के मामा के लड़के अभिलाष यादव के अनुसार 2021 की शुरुआत में अर्पित ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसी वर्ष उनके फूफा जी जो एक सरकारी शिक्षक थे का कोरोना के कारण निधन हो गया। ये घटना अर्पित के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी आघात थी। प्राइमरी कॉलेज यानी जब से शुरू किए थे स्टडी करना, प्राथमिक से ही उन्होंने विद्यालय में फर्स्ट और सेकेंड रैंक से इनकी थर्ड रैंक आज तक नहीं आई है, और ना ही ये यूपीएससी में भी 136वीं रैंक लाए हैं। और आगे फिर इन्होंने फिफ्थ तक यहीं ज्ञान भारती से पढ़ा था, उसके बाद छठवीं से बारहवीं तक इन्होंने वैद्यनाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़े हैं। इसके बाद ये गए थे दिल्ली, पापा छोड़ने गए थे, वो मेरे फूफा जी हैं। और इसके बाद फिर जैसे ही कोविड आया 2021 में, फूफा जी की मेरी डेथ हो गई थी, उसके बाद घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। जैसे ही फूफा जी की डेथ हुई, हमारे जमीनी विवाद थे, उनमें फिर उखड़ने लगे लोग। जैसे हमारे भैया के पास, बुआ के पास कोई नहीं था, उसके बाद फिर लोगों ने हमें सताना शुरू किया। लेकिन बुआ ने भैया को ऐसा एडवाइस दिया कि भैया पापा की क्या इच्छा थी उसको देख कर आप चलो, परिवार में क्या हो रहा है उसको मत देखो। फिर उन्होंने भैया ने मेहनत की, संघर्ष किया, उसके बाद उन्होंने रात दिन एक कर दिया था पढ़ाई में। अपने पिता की याद में और उनके सपने को पूरा करने के लिए अर्पित ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। अभिलाष कहते हैं भैया ने दिन रात एक कर दी थी, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी इस मेहनत का फल उन्हें दूसरी बार में मिला जब वे यूपीएससी परीक्षा में 136वीं रैंक हासिल करने में सफल हुए। उन्होंने 7 बजे शाम के बैठते थे, रात भर स्टडी करते थे, कहीं भी जाते थे स्टडी में उनका मन लगा रहता था। उन्होंने बीए किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राजधानी कॉलेज, बाद में कोचिंग की थी सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में उनका फिल्म में 0.25 से रुका था, और फिर उन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट में 136वीं रैंक आईएएस हासिल किए अर्पित कुमार भैया मेरे। और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा मोहल्ला है? मूल निवासी तो उनका मतलब पापा जी और बाबा जी मूल निवासी उनका टिटीरा गाँव में, मऊ के पास पड़ता भरतकुप के आगे। और जब भैया का जन्म यहीं हुआ करबी में, अहिरनपुर जो रहे यहाँ रहते हैं, मोहल्ला अहिरनपुर है, और यहीं से उनका जीवन मिला। आपका नाम? मेरा नाम अभिलाष यादव है। अर्पित यादव की कहानी एक युवा के संघर्ष और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति की गवाही देती है। उनकी इस जीत ने न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके समुदाय के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। लोकल 18 के लिए चित्रकूट से विकास कुमार की रिपोर्ट।